अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवेज़ के वो रेलवे स्टेशन जिन पर ना तो किसी पैसेंजर ट्रेन का स्टॉप होता है और अक्सर स्टेशन पर साइडिंग लाइन मौजूद होने की वजह से फ्रेट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर्स होते हैं उन्होंने इनको बहुत ही खूबसूरती से सजाया होता है। ये अक्सर आपने भी आते जाते लाजमी देखा होगा। प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और पौधे आंखों को ठंडक बख्शते हैं, और इसके मुकाबले में जो बिजी रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर आपको ये नज़ारा नहीं देखने को मिलता। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसे ही एक खूबसूरत और सुकून दह रेलवे स्टेशन, पीरा गायब रेलवे स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और मुल्तान अपनी यूनिवर्सिटी से पीरा गायब रेलवे स्टेशन का सफ़र शुरू करते हैं। तो मेरे साथ आखिर तक रहिएगा। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2021 को यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद दोपहर 3 बजे मैं और मेरा दोस्त अब्दुल रहमान पीरा गायब रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकले, और गूगल मैप की मदद से फॉलो करते करते हम आखिरकार नौबहार नहर और पीरा गायब के इलाके के पास पहुंच गए। दोस्तों, ये वही नहर है जिसका न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, पीरा गायब के इलाके में दाखिल होने के बाद लोगों से पूछकर हम रेलवे स्टेशन की जानिब निकल पड़े, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ख़राब और कच्चे रास्तों से होते हुए हमें एक रेलवे की पटरी नज़र आई। लेकिन अफसोस, ये रेलवे स्टेशन की तो थी लेकिन ये ML1 नहीं बल्कि एक साइडिंग लाइन थी। इसके बाद दोस्तों हमने इस साइडिंग लाइन का थोड़ा सा विज़िट किया, जो कि पीरा गायब रेलवे स्टेशन से निकल के पाक अरब फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री में जा रही थी। तो दोस्तों, हमने आखिरकार दोबारा लोगों से पूछा और दोबारा से कच्चे रास्तों से और ख़राब सड़कों से होते हुए हम आखिरकार पीरा गायब रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के पास पहुँच गए, और इसको पहली नज़र में देख के ही इससे प्यार हो गया था। दोस्तों, जूँ ही हम प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुए तो उसी दौरान एक अप एक्शन हुआ, जब अप ट्रैक पे एक ट्रैक मशीन एक काफ़ी अच्छी रफ्तार में पास हुई। दोस्तों, ट्रैक मशीन के गुजरने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन का ओवरव्यू किया। तो दोस्तों, पीरा गायब रेलवे स्टेशन का क्याम 1904 में पाकिस्तान रेलवेज ने किया। इसका दोस्तों प्रीसीडिंग स्टेशन न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन है, और इसका सक्सीडिंग स्टेशन रियाजाबाद रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन भी मुल्तान डिवीजन में और ML1 पर आता है। चूंकि न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन अब बंद हो चुका है, तो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल होती है वो इसी रेलवे स्टेशन से होती है। ये दोस्तों रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म यानी कि 5 लाइन्स मौजूद हैं, जिनमें से एक अप की लाइन मौजूद है, एक डाउन लाइन मौजूद है, 2 लूप लाइन्स मौजूद हैं और एक साइडिंग लाइन मौजूद है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी दिखा दी है। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन मेन लाइन 1 पे 97.13 किलोमीटर के मार्कर पर वाकया है, और यहाँ के स्टेशन मास्टर जनाब शेख गुलाम मुर्तज़ा साहब से भी मुलाकात हुई, जो कि काफ़ी अच्छी नेचर के मालिक थे, और उन्होंने हमें यहाँ पर CBI सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में भी बताया।
तो चलिए दोस्तों, अब इस रेलवे स्टेशन पर दी गई सहूलियात के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन पर एक अदद जनरेटर रूम, एक बत्ती गोदाम, स्टेशन मास्टर साहब और नायब स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेशन की राइट साइड पर आपको एक छोटा सा गार्डन भी देखने को मिलता है, जहां पर लोग शाम को बैठकर अपनी रूह को ताज़ा करते हैं और साथ साथ रेल फैनिंग का शौक भी पूरा करते हैं। इसके अलावा इस रेलवे स्टेशन के अप साइड वाले प्लेटफॉर्म पर 3 वॉशरूम भी मौजूद हैं, जो कि मेरे लिहाज से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद दरख्त और पौधों की खूबसूरती को आप बिना वॉइस ओवर के साथ एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस वक्त आप सब देख सकते हैं कि डाउन प्लेटफॉर्म को कितनी खूबसूरती के साथ पौधों से सजाया गया है, और जो खूबसूरती यहाँ पर और जो सुकून मुझे यहाँ पर मिल रहा था, वो शायद मैं आप सबको वीडियो में ना बयान करके दिखा सकूँ। तो दोस्तों, तकरीबन दोपहर के 3:30 बज चुके थे और मैं और मेरा दोस्त अब्दुल रहमान वन अप खैबर मेल का वेट कर रहे थे, जो कि अभी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से निकल रही थी। तो हमने इसी दौरान सोचा कि क्यों ना गार्डन में बैठ के थोड़ा सा तरोताज़ा हुआ जाए। तो सबसे पहले गार्डन के साथ मौजूद एक टूटी से हमने अपने हाथ धोए और उसके बाद फिर कुछ देर गार्डन में बैठ के गुजारा, लेकिन फिर आखिरकार वन अप खैबर मेल का भी टाइम हो गया। हाँ जी अब्दुल रहमान भाई, थक गए? नहीं नहीं, किसका वेट कर रहे हो? ट्रेन आ जाए यार। कौन सी ट्रेन आ रही है? आई थिंक सो खैबर वन अप। वन अप खैबर मेल सीख रहे हो आप भी साथ रह के? दोस्तों, वन अप खैबर मेल को कैप्चर करने के लिए हम डाउन साइड वाले प्लेटफॉर्म पर चले गए, क्योंकि यहाँ से व्यू ज़रा अच्छा आ रहा था। और कुछ ही देर में वन अप खैबर मेल की लाइट विजिबल हुई और आज ये AGE 36003 लोकोमोटिव के साथ पास हुई। खैबर मेल के क्रॉस के बाद हमने दूर से रेलवे के एबंडेंट क्वार्टर्स पर नज़र डाली और इसको वापसी पे देखने का फ़ैसला किया। प्लेटफॉर्म पर एक अदद शहतूत का पौधा भी मौजूद था और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स भी हमें मिले, जो कि हमने अपने ही रिसर्च के लिए संभाल लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रेन सुपरवाइज़र का दफ्तर भी अंदर से विज़िट कराता हूँ। यहाँ पर एक अदद दफ्तर सब इंजीनियर सिग्नल साहब का भी मौजूद है। चूंकि यहाँ पर अब कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिग्नल अपग्रेड हो गई है, तो इस वजह से इस स्टेशन का नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट कैबिन मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगली ट्रेन थी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिसको अभी मज़ीद 2 घंटे और देर थी और हमें आगे ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो इसी सिलसिले में हमने वापस जाने का फ़ैसला किया। हाँ जी भाईजान, चलें? हाँ जी, हो गया रेल फैनिंग? हो गई? हाँ जी, चलें जी।
स्टेशन से वापसी पर मैंने और मेरे दोस्त अब्दुल रहमान ने रेलवे के अबंडन क्वार्टर्स को देखने का फैसला किया, जो कि अब खंडर नुमा नज़ारा पेश कर रहे थे। और मेरे दोस्त अब्दुल रहमान को वैसे भी इन जगहों पर आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इनको एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरे साथ साथ उसने भी इस जगह को खूब ज़्यादा इंजॉय किया। इन एबंडन क्वार्टर्स को विज़िट करने के बाद हमने अब वापसी का फ़ैसला किया, क्योंकि शाम होने को थी और उससे पहले हमें यूनिवर्सिटी भी पहुंचना था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज के व्लॉग का मज़ा आया होगा, और अगर आपको इस व्लॉग का मज़ा आया हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होती है आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।